साहस सरोकार। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 3 जून में हुए हिंसक झड़प के बाद कानपुर में अब पूरा प्रदेश में अलग अलग जगहों से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज में जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ने पर डीएम एसएसपी को भी विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा, पुलिस को रोकने पर पत्थरबाजी हुई है। नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, नूपुर शर्मा का सर कलम करो, जिस तरह की तख्तियां लिए हुए लोग दिखे, वही देवबंद के जो छात्र है वो भी प्रदर्शन करते हुए दिखे। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है, पूरा प्रदेश अलर्ट पर है, इस बीच जिस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश की सामने आई है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो छवि है, हिंसा मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, उस छवि को पूरी तरह से धूमिल करती हुई ये तस्वीरें सामने आई हैं। जो दावे हैं प्रशासन की तरफ से कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, प्रशासन अलर्ट है, उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में आखिर लोग एकत्रित कैसे हो गए? आप पत्थरबाजी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही थी। आखिर कौन है ये लोग, क्यों ये प्रदेश की शांति को बिगाड़ना चाहते हैं? आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक, नौ युवक पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, देश का भविष्य पत्थरबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें कही जा रही हैं, तमाम विकास कार्य किए जा रहे हैं, रोजगार के कार्य किए जा रहे हैं, उस बीच उत्तर प्रदेश सुलग रहा है, आगजनी की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है। नूपुर शर्मा के बयान को लेकर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सुलग रहा है, पत्थरबाजियां हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। संवाददाता पवन पटेल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जो खबरें सामने आ रही थी कि पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, एसएसपी और डीएम को भी प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, स्थिति किस तरह से बनी हुई है वहां पर अभी? तैनाती की गई है, हालांकि स्थिति अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं कहा जा सकती, क्योंकि अभी यहां पर पूरी तरीके से फोर्स लगातार गश्त कर रही है। अगर बात की जाए यहां की, तो जिले के जो जिलाधिकारी हैं संजय कुमार खत्री, उनको भी हल्की सी चोट लगने की सूचना सामने आई है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और यहाँ पर मौके पर एडीजी, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तमाम थानों की फोर्स यहाँ पर पूरी मात्रा में तैनात है, लेकिन स्थिति की बात की जाए तो पूरी तरह से सामान्य नहीं है। हालांकि पुलिस फोर्स लगातार अटाला के क्षेत्र में गश्त करती हुई नजर आ रही है। जी पवन, नमाज के बाद ये हिंसा भड़की हुई थी, क्या कुछ पता चल पाया कि आखिर कौन है इसका मास्टरमाइंड, कौन भड़का रहा है लोगों को, इसके बारे में पुलिस को कुछ पता चल पाया? जी अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि लगातार पुलिस के आला अधिकारी इस पे कार्य कर रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि किस तरह के लोग हैं, हालांकि जिस तरह की ये घटना है, जिस जगह की, अटाला क्षेत्र और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, अब किस तरह के लोग हैं, किस तरह के इसमें लोग यहाँ पे जुड़े हैं, अभी तक ये जैसे स्थिति स्पष्ट होगी इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक होगा। जी सवाल है, निशान तो प्रशासन पे भी खड़ा होता है पवन, जिस तरह से पूरे प्रदेश में अलर्ट था उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में लोग एकत्रित कैसे हुए, आखिर ये पत्थर आया कहां से, क्या पुलिस को इसकी खबर नहीं थी? पवन जिस तरह से भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए, ये सवाल निशान प्रशासन पे भी खड़ा होता है कि प्रशासन ने इतना भीड़ एकत्रित होने ही कैसे दिया। कई शहरों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है, आगजनी की गई है, पत्थरबाजी की गई है, नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, नूपुर शर्मा का सर कलम करो जैसे नारे तख्तियां लेकर लोग आए हैं, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए गए हैं। देवबंद जैसी यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, अपना भविष्य बनाने जाते हैं, वहां पर बच्चे प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। जिस नूपुर शर्मा को लेकर यह पूरा बवाल सामने आया है, नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त किया जा चुका है पहले भी।
आखिर इस मामले को इतना बढ़ाया ही क्यों जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये निशान तो प्रशासन पर खड़ा होता है कि प्रशासन क्यों स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अलर्ट होने के बाद भी इतनी भारी संख्या में लोग एकत्रित हो कैसे जा रहे हैं? ताजा तस्वीरें हाथरस की सामने आ रही हैं, जहां पर लोग इकट्ठा दिख रहे हैं और नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको हाथरस से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग भारी संख्या में एकत्रित हो गए हैं। शहर प्रदर्शन की साजिश आखिर कौन रच रहा है? किसने ये साजिश रचाई है? नूपुर शर्मा के बयान पर इतना घमासान मच रहा है। आखिर कौन है इसका मास्टरमाइंड? कौन है इसके पीछे जो उत्तर प्रदेश की छवि को खराब कर रहा है? लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाथरस से देख सकते हैं कि हाथरस में भी लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन पटेल, अलग अलग जगहों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, हाथरस से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पूरा जो प्रदेश है वो सुलग रहा है। अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद ही भयावह है। प्रयागराज में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? मान्य नहीं हो पाई है। जिस इलाके में ये घटना हुई है जुमे की नमाज के बाद, वो अटाला क्षेत्र है प्रयागराज का, और यहाँ पे जिले के जो जिलाधिकारी हैं संजय कुमार खत्री, उनको भी इस हिंसा में चोट लगने की सूचना सामने आई है। हालांकि उनके चोट लगे थे इनकी सूचना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर बात सामने आ रही है कि प्रयागराज के जिलाधिकारी भी इस हिंसा में चोटिल हुए हैं और लगातार यहाँ पर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से गश्त कर रही है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। जिस तरीके से लगातार जिले के आला अधिकारियों द्वारा तमाम धर्म गुरुओं के साथ शांति व्यवस्था कायम रखने की बात की गई थी, जिस तरीके से आज यहाँ पर तस्वीर सामने निकल कर आई है, निश्चित रूप से बड़ा। ये पवन, क्या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं? भीड़ इतनी अनियंत्रित हो चुकी थी। हाँ, पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे आगजनी की भी खबरें सामने आई हैं। छोटी मोटी छिटपुट घटनाओं की बात की जाए तो अभी तक किसी को हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पथराव हुए हैं, घरों से पत्थर फेंके गए हैं, जिले के आला अधिकारी भी उस पर चोटिल हुए हैं। जी पवन, मैं आपसे कहूंगी कि एक बार आप घटना स्थल की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाए। साला फोन कैसे कर रहे हैं लोग। जी नूपुर शर्मा के विरोध में ये नारेबाजी हुई है, पुलिस को रोकने पर हुई पत्थरबाजी। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। वहीं प्रयागराज में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में यह हिंसक झड़प हुआ है, पथराव हुआ है, पत्थरबाजी की गई है। शर्मा के विरोध में नारेबाजी, वही शहर के अलग अलग शहरों से तस्वीरें हिंसा की सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीरें आप प्रयागराज से देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस भी जवाब में पत्थरबाजी करती हुई नजर आ रही है। गलियों घरों से छुपकर जो युवा है देश के, युवा भी पत्थरबाजी कर रहे थे।
तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। सड़कों पर इस तरह से पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ईंट पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, पत्थरबाजी की गई है, आग तक लगा दिए गए हैं, पूरा प्रदेश सुलग रहा है। एक बयान को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश सुलग रहा है। आंसू गैस के गोले भी पुलिस द्वारा छोड़े गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवा पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है। कहीं ना कहीं ये पत्थर आए कैसे? अगर ये प्री प्लान नहीं था तो इतनी भारी मात्रा में पत्थर आए कहां से? ये जो तस्वीरें सामने आ रही है दिखाती है कि ये प्री प्लान था, पहले से ये पत्थर इकट्ठा करके बैठे थे। और अगर ये प्री प्लान था, इनके पास पहले से पत्थर था, तो प्रशासन को इसकी जानकारी कैसे नहीं थी, जबकि पूरा प्रदेश में अलर्ट जारी था, पूरा प्रदेश अलर्ट पर था। जवाब में पुलिसकर्मी भी पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर पत्थर पड़े हुए दिख रहे हैं, ईंट पड़े हुए दिख रहे हैं। पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के बाद आज शुक्रवार को जुमे की पहली नमाज हुई। नमाज के बाद प्रयागराज, मुरादाबाद और सहारनपुर में नमाजियों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया। प्रयागराज में हुई पथराव में डीएम एसएसपी भी घायल हुए हैं और एसपी की गाड़ी टूट गई है। सड़कों पर आगजनी की जा रही है। पूरे प्रदेश को सुलगाने की साजिश आखिर कर कौन रहा है? कौन मास्टरमाइंड है इस साजिश के पीछे? हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एडीजी को बंदूक उठानी पड़ी। अर्धसैनिक बलों में भी कुछ घायल हुए हैं, पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। सहारनपुर में भी जुमे की नमाज के बाद अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं। दहशत में आसपास की दुकानों के शटर गिर गए। इसके बाद यहां पथराव किया गया। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने हर जिले के अधिकारियों से नमाज के बाद की रिपोर्ट मांगी है। अवनीश अवस्थी ने, एसीएस होम ने रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इस तरह की घटना सामने आई कैसे। यूपी के कई जिलों में पथराव की घटना पर लखनऊ के एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बैठक बुलाई है। प्रयागराज में पथराव के दौरान डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार को भी पत्थर लगा है। प्रयागराज में अटाला चौराहे के पास लगातार पथराव हो रहे हैं। पीएससी की वैन भी जलाई गई है। सागर थापा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रयागराज में डीएम और एसएसपी के घायल होने की भी खबर सामने आई है। हालांकि एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने एक बैठक बुलाई है और रिपोर्ट भी मांगा है। नमाज के बाद जो भी घटना जिन शहरों से सामने आई है, क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, प्रयागराज की घटना को लेकर शासन ने पूरी तरह से इसे गंभीरता से लिया है और एसीएस अवनीश अवस्थी ने साफ साफ जाहिर कर दिया गया है कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो भी वीडियोग्राफी हुई है उनके चेहरे चिन्हित करके उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने प्रयागराज पुलिस को तलब करते हुए रिपोर्ट मांगी है कि जो भी घटना थी, क्या वो पहले से सुनियोजित थी या फिर पहले से उन सब ने सोच रखा था कि नमाज के बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम देंगे। क्योंकि एक ज़िले में डीएम एसपी पर अगर कुछ
घटनाएं होती, कुछ बार होता है या फिर हिंसक घटनाएं होती हैं उनके ऊपर, तो सबसे बड़ी बात होती, सबसे बड़ी सुरक्षा में चूक होती, क्योंकि जो DM होता है और SP होता है वो ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जब उनके ऊपर ऐसी दिक्कत आ सकती है तो या कहिए कि जो पहले से सुनियोजित पहले से प्री प्लान ये घटना हो सकती है। जी जी, हालात इतने बिगड़ गए कि ADC को बंदूक उठानी पड़ी है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ करके सामने आता है कि किसी एक शहर में नहीं, पहले कानपुर के बाद मुरादाबाद, सहारनपुर, कई जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं सागर, दिल्ली से भी कुछ तस्वीरें प्रदर्शन की सामने आई हैं। कहीं ना कहीं सुनियोजित नजर आ रही है ये घटना, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि एक साथ इतने शहरों में घटना पॉसिबल नहीं है, हिंसा पॉसिबल नहीं है। मान लिया एक दो शहर में हो गए, जिस तरह से कई शहरों से प्रदेश के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से देखते आप इसको? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो कानपुर की घटना हुई उससे शासन काफ़ी सख्त हो चुका है और लोगों में एक डर का माहौल भी है, क्योंकि वो इलाका जो है, तो वो है जो कानपुर का जिस इलाके में ये घटना हुई वो हिंदू भी है, वहाँ पे रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि उसके बाद फॉरेंसिक जाँच भी कराई गई थी घटना के बाद। बाकायदा पुलिस के बड़े आला अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने फॉरेंसिक जाँच कराई गई, ड्रोन से हर चीज़ें देखी, इलाके को समझा। उसके बाद तमाम जो पहली घटनाएं हैं, आपको बता दूं कानपुर में जो हुई थी, वहाँ पे छतों में पत्थर रखे गए थे, तो साफ जाहिर होता है कि जो घटना हुई थी वो पहले से प्री प्लान थी ये घटना को अंजाम देना। लेकिन अब अगर देखा जाए, प्रयागराज की बात बताई जाए, तो जहाँ DM और SP पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है लोगों ने, वो बख्शे नहीं जाएंगे। शासन की साफ मंशा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी वीडियोग्राफी कराकर उनके चेहरे एकदम सार्वजनिक किए जाएंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, हो सकेगा तो उनकी अवैध संपत्ति अगर होगी तो उनकी अवैध संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, या कहिए UP में इस वक्त चल रहा है JCB, तो JCB से उनकी जो अवैध संपत्ति है या उनके घरों को कुर्क करके पुलिस और शासन अपनी इस कार्रवाई को पूरी करेगी। और बहरहाल सबसे बड़ी बात यह कि अगर जो भी भड़काने वाले व्यक्ति हैं, जो भी इनके पीछे जो भी लोग हैं, जो भी पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो हमेशा अभी तक फिलहाल पुलिस के गिरफ्त से दूर है और पुलिस इस बात का पता लगाने में लगातार जुटी है कि जो भी घटनाएं हुई हैं उसके पीछे किसकी मंशा थी और इसके पीछे कौन व्यक्ति सम्मिलित था। जी, सहारनपुर जिस तरह से अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं सागर, अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं, नूपुर शर्मा के सर कलम करो, बहुत गलत बात है किसी समुदाय के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो नूपुर शर्मा ने किया। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम उसका खुद कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन एक बयान के चलते आप पूरा प्रदेश सुलगा दोगे, आप पूरा देश सुलगा दोगे, किस तरह से देखते हैं आप इसको? सागर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, संवाददाता मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से शाहरुख अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, नूपुर शर्मा के सर कलम करो, किस तरह से आप देखते हैं एक बयान के लिए क्या पूरा प्रदेश अब सुलगा दिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से आज जुम्मे की नमाज होनी थी और काफी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग मुरादाबाद की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे और नमाज अदा करके तो घर जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने नूपुर शर्मा मुरादाबाद के नारे लगाए, फांसी दो और गिरफ्तार करके जेल, इस तरीके के नारे लगाए और पोस्टर भी उसके थे, फांसी लगाने के आपको पोस्टर भी देखने को मिले। उसके बाद जब यहाँ पर शासन उन्हें समझाया तो लोग चले गए, बताया ही जा रहा है। मुरादाबाद SSP का बयान आया जिनका कहना है कि छोटे बच्चे थे जिनकी तरफ से नारेबाजी की गई थी और स्थिति अब नियंत्रण है। आपको दिखाना चाहूंगा पीछे, ये वो रास्ता है जहाँ पर नारेबाजी की गई थी, ये जामा मस्जिद को रास्ता जाता है और ये मुगलपुरा थाना क्षेत्र का इलाका है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से स्थिति सामान्य है, आप देख सकते हैं। घटना स्थल को दिखाया जाए, मैं अपने PCR बिल्कुल शाहरुख आप दिखाए, मैं अपने PCR से कहूंगी कि आप घटना स्थल को दिखाए। जी, पूरी तरीके से स्थिति अभी सामान्य है, आप देख सकते हैं लोग आ जा रहे हैं और पूरी तरीके से प्रशासन यहाँ मुख्यत है और लोग अब अपने अपने घरों को चले गए। जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने माहौल खराब करा था, पुलिस उनकी तलाश कर रही है और निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जामा मस्जिद की तरफ को रास्ता जाता है और यहीं से आज जुम्मा की नमाज हुई थी, यहीं से लोग अपने घर को जा रहे थे। इसी दौरान कुछ छोटे बच्चों में बताया जा रहा है कि नारेबाजी की और असामाजिक तत्व बीच में घुस गए, जिसके बाद माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि यहाँ पर जो प्रशासन मौजूद था उसने बल का प्रयोग करा, मामूली बल का प्रयोग किया गया और पूरी तरीके से अब स्थिति सामान्य है, लोग आ जा रहे हैं, पूरी तरीके से
यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और जो जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, शहर का नाम खराब करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की पुलिस बात कर रही है और जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चारू का यही वो क्या यही वो इलाका है जहां पर पत्थरबाजी की गई थी और अब यहां पे क्या पुलिस किस तरह से तैनात है, क्या अभी भी पुलिस यहां पर तैनात है, कोई बड़े अधिकारी भी अभी वहां पर तैनात है? जी आपको ये वही जगह है जहाँ मस्जिद को रास्ता जाता है और नमाज अदा कर लोग अपने घर को इसी रास्ते से वापस जा रहे थे, तो यही नारेबाजी की गई थी। आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से ये रास्ता इंद्र चौक की तरफ जाता है और सामने की तरफ पुलिस कर्मी अभी भी मौजूद है, पूरी तरीके से यहाँ पुलिस बल मौजूद है, भारी पुलिस बल मौजूद है और लोगों से यही अपील की जा रही है शांति व्यवस्था कायम रखे और जो लोग अनावश्यक रूप से गलत मैसेज वायरल कर रहे हैं उनकी सूचना से पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। शाहरुख, वहाँ के स्थानियों का क्या कुछ कहना है, क्या किसी स्थानीय से आपकी बात हो पाई, जो लोग वहाँ पर रहते हैं जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा उनमें से किसी की आपकी बात हो पाई, उनका क्या कुछ कहना है इस घटना पर, उनका शहर से लग रहा है? जी यहाँ एक समाज सेवी है जिनसे हमारे बात हुई थी, सलाउद्दीन मंसूरी, उनसे बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग शांति पूर्वक तरीके से नमाज अदा कर अपने घर जा रहे थे, कभी कुछ लोग आते हैं, देखिए ये सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी जा रही है, सिटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ खुद मौजूद है, पूरी तरीके से भारी पुलिस बल मौजूद है यहाँ पर और मैं बता रहा था कि समाज सेवी सलाउद्दीन मंसूरी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि कुछ असामाजिक तत्व थे, कुछ लड़के थे जो बयानबाजी कर रहे थे, कहाँ से आए वो कुछ नहीं पता, अब क्षेत्र अधिकारी गौतम चंद्र भी मौजूद है और सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ आ गए हैं, भारी पुलिस बल तैनात है, पूरी तरीके से रास्ता सुचारू रूप से चल रहा है, पुलिस काफी बल मौजूद है, सिटी मजिस्ट्रेट हमारे साथ है और क्षेत्र अधिकारी भी मौजूद है, समाज सेवी भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी सलाउद्दीन मंसूरी साहब, इनसे जानेंगे किस तरीके से जो असामाजिक तत्व है उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, हालांकि प्रशासन ने कुछ बुझ से लोगों को समझाया, लोग अपने घर से लगे, इनसे जानेंगे कौन लोग थे, किस तरीके से आए, क्या माहौल खराब करने की कोशिश। देखिए जो भी हमारे शहर इमाम साहब सैयद मासूम अली आजाद साहब हैं और नायब इमाम मुफ्ती फहद साहब ने कल मगरिब की नमाज के बाद एडीएम सिटी साहब को एसपीसीटी साहब को ज्ञापन दे दिया था और जनता से ये अपील कर दी थी कि सुबह को जुमे की नमाज में लोग आएंगे, नमाज पढ़ के अपने घरों को चले जाएंगे और किसी तरह की कोई बंद की अपील नहीं है, किसी तरह की कोई प्रोटेस्ट की अपील नहीं है, जो हमारा विरोध था वो हमने दर्ज करा दिया है। उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ के 16 साल के 17 साल के बच्चे जो नारेबाजी करते हुए आए उन्हें पुलिस प्रशासन ने समझाने का प्रयास किया, हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया, यहाँ से वो फैजगंज की तरफ चले गए, फैजगंज की तरफ से आन के फिर जामा मस्जिद आ गए, जामा मस्जिद से फिर इंदिरा चौक चले गए, इंदिरा चौक से आन के फिर मून मेडिकल के पास आन का रुक गए, वहाँ पुलिस प्रशासन ने रोका, आज पैर जोड़े बहुत खुशाम से करी हमने, हमारे चोटें भी लगी और जिस तरह की गालियां बज रहे थे उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने हाथ पैर जोड़ के घर भेजने का काम किया, मगर जब नहीं माने तो फिर पुलिस ने जमीन पे लाठी फटकार कर उन्हें भगाने का काम किया। ठीक है, साफ तौर पर कहना है जो लोग जो लड़के यहाँ थे गलत बयानबाजी कर रहे थे उनको पुलिस ने काफी समझाया, जब वो नहीं माने तो हल्का बल इस्तेमाल करना पड़ा, इसके बाद स्थिति नियंत्रण है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से रोड सुचारू रूप से चालू है, खुद यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट क्षेत्र अधिकारी और समाज सेवी कार्यकर्ता मौजूद है, हालांकि मुरादाबाद की एम की बात करें या एसएसपी की बात करें सिटी मजिस्ट्रेट की बात करें चल से ही ये लोग मुस्लिम समाज से सभी लोगों से अपील कर रहे थे कि शांति व्यवस्था कायम रखे, जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पर एक फर्जी मैसेज वायरल होता है उसके बाद लोग सड़कों पर आते हैं और कुछ लोग दुकानें बंद कर देते हैं, तो पुलिस अब उनकी जाँच कर रही है और अब जाँच करके जाहिर की बातों पर सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल शाहरुख, अब जो वहाँ का माहौल है वो शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है, जो प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी उनमें से क्या किसी का पता चल पाया है, किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक, और अगर नहीं भी हुई है तो किस तरह की कार्रवाई अब आगे की जाएगी इन प्रदर्शनकारियों पर जिन्होंने हिंसा को भड़काया था? देखिए बताया जा रहा है जो लड़के थे जो नमाज अदा करके जब नमाजी अपने घर जा रहे थे तो 15 से 16 से 17 साल तक की उनकी उम्र बताई जा रही है, जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश, इतने ही नहीं कि इंदिरा चौक जामा मस्जिद मुगलपुरा अन्य क्षेत्रों में घूमकर उन्होंने नारेबाजी की, तो पुलिस उनकी तलाश कर रही है और अब पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी लगे हैं उनकी मदद से भी उनको तलाश की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। लेकिन शाहरुख, जो छोटे बच्चे हैं 16-17 साल के बच्चे हैं, नाबालिग हैं, कौन इनके दिमाग में जहर घोल रहा है, आखिर कौन है जो इनको गलत रास्तों पर लेकर के जा रहा है? जी ये
जांच का विषय है। अब अगर जब पुलिस के वो हिरासत में आएंगे तो पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, तो जाहिर है कि उन लोगों को किसने ये प्लान बताया और किसने साजिश रखी, शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की है, ये तो फिर अब तक वो हिरासत में आएंगे उनसे ही पुलिस पूछताछ में पता चली, काफी बड़ा खुलासा होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से सागर थापा जुड़े हैं। सागर, लखनऊ से क्या कुछ अपडेट है? एशियस होम ने सबसे रिपोर्ट मांगी थी जिन जिन जगहों पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन और हिंसा हुआ था, क्या कुछ ताजा अपडेट है उसको लेकर? मीटिंग कब से शुरुआत होगी एशियस होम की? काफी बड़ा जिला है और अब जो घटना घटी है उसके बाद कहीं ना कहीं शासन की मीटिंग जो होगी बहुत जल्द होगी और एक बड़े फैसले लिए जाएंगे, किन की गिरफ्तारियां होंगी, किन बड़े लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और इन सभी घटनाओं के पीछे जो जो लोग जुड़े हैं, जो जो लोगों की मंशा है, कहीं ना कहीं ये अगर बात की जाए तो सांप्रदायिक दंगे भड़काने जैसी घटनाएं आ रही है, क्योंकि पिछले जुमे को कानपुर में ऐसी बड़ी घटना हुई, दो गुटों के बीच झड़प हुई, पथराव हुआ, तमाम लोग उसमें घायल हुए, तमाम लोगों की दुकानें वहां से उजड़ी। अब देखा जाए तो इस घटना के बाद शासन कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लेने वाला है और जो बड़े से बड़े लोग हैं जो पर्दे के पीछे अब तक जो छुपे रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन होना पूरी तरह से संभव है। जी जी बिल्कुल शाहरुख, और किसी अभी अधिकारी का कोई अधिकारिक बयान आया क्या सामने, या फिर कोई बड़े नेता का या फिर मुख्यमंत्री का कुछ अधिकारिक बयान इस पे सामने आया अभी तक, उनका क्या कुछ कहना है? जो उनकी मंशा है उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने की, कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, तो क्या अभी किसी का अधिकारिक बयान आया उस पर? जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए, पूरे प्रदेश को सुलगाने की कोशिश की गई, तो वहीं सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं, हालांकि कई जगहों पर स्थिति नियंत्रित भी बताई जा रही है, लगातार पुलिस कोशिश कर रही है स्थिति को काबू में करने की। वहीं यूपी के कई जिलों में पथराव की घटना पर लखनऊ एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बैठक भी बुलाई है, जहां पर प्रयागराज में पथराव के दौरान डीएम संजय कुमार खत्री और बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। प्रयागराज प्रदर्शन पर एसीएस होम ने मांगी रिपोर्ट, अवनीश अवस्थी ने मामले की रिपोर्ट मांगी, उपद्रवियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में वीडियो से उपद्रवियों की पहचान करेगी पुलिस। एसीएस होम ने सख्त रुख अपनाते हुए सख्त जो कार्रवाई करने के आदेश है वो प्रयागराज पुलिस को दिए गए हैं। साथ ही साथ एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने इस पर रिपोर्ट भी मांगी है, उन्होंने कहा है कि जुमे की नमाज के बाद किस तरह से हिंसा भड़की उसकी रिपोर्ट उन्हें चाहिए, साथ ही साथ जो उपद्रवी है उनकी लिस्ट बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए है, वीडियो से इनकी पहचान की जाएगी, पुलिस इनकी पहचान करेगी, प्रयागराज पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। हालांकि प्रयागराज में डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार को भी पत्थर लगा था, जिसके बाद अवनीश अवस्थी ने मामले की रिपोर्ट मांगी है, लिस्ट बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, वीडियो से उपद्रवियों की पहचान करेगी पुलिस। संवाददाता गौरव श्रीवास्तव उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, एक जो मीटिंग होनी है एसीएस होम की आज की घटना को लेकर, ये मीटिंग कब से शुरू होगी और क्या कुछ निर्देश एसीएस होम अवनीश अवस्थी द्वारा दिए गए हैं? जी, शाम को 6 बजे के लगभग मीटिंग रखी गई है और हम जब से देख रहे हैं यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में, तब से लगातार देखा जा रहा है, अगर एनआरसी की बात करें, सीए की बात करें, या कोई भी अगर मामला होता है उपद्रव का, वहाँ पर वीडियोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी से माध्यम से उपद्रव की पहचान होती है, उसके बाद उन पर कार्रवाई होती है, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है और साथ ही साथ एक बड़ा आदेश भी दिया जाता है कि उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, जुम्मे की नमाज से आज प्रदर्शन हुआ, प्रयागराज की बात कर लें, बिजनौर की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, सहारनपुर की बात कर लें, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ा आदेश यहाँ पर दिया जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि उपद्रव पहचान करें, क्योंकि कानपुर में अभी हाल में उपद्रव हुआ था जो 6
किया जो उनको, उसके बाद भी लगातार ये देखा जा रहा था कि कार्रवाई की जाएगी और उपद्रवियों की पहचान के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में वहां पर 50-13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आने वाले समय में और गिरफ्तारी होगी और उपद्रवियों की पहचान वीडियोग्राफी के माध्यम से की जाएगी। जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद गौरव। मीटिंग 6 बजे से होनी है, जो प्रदेश के अलग अलग शहरों से हिंसा की खबरें आई हैं, प्रदर्शन की खबरें आई हैं, उसको लेकर अवनीश अवस्थी जो ACSOM है उन्होंने 6 बजे एक मीटिंग भी बुलाई है। साथ ही साथ प्रयागराज में जो आज के सख्त आदेश दिए गए हैं वीडियोग्राफी के जरिए प्रदर्शनकारियों की पहचान होगी। गौरतलब है कि भाजपा नेता नुपुर शर्मा की जबान काट कर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम घोषित करने वाले सतपाल तंवर के खिलाफ कानपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ सहारनपुर में 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले पर लगातार पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। सहारनपुर में 21 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है सहारनपुर पुलिस। लगातार शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस मुस्तैद है। साथ ही साथ सहारनपुर में 21 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद आपको बता दें कि अल्लाहु अकबर के नारे लगे थे। दहशत में आसपास की दुकानों के शटर गिर गए। इसके बाद यहां पथराव किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कई शहरों में पत्थरबाजी की घटना के बाद दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय से ACSOM अवनीश अवस्थी, एक्टिंग DGP, ADGP, ADG लॉ एंड ऑर्डर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। ACSOM अवनीश अवस्थी ने हर जिले के अधिकारियों से नमाज के बाद की रिपोर्ट मांगी है। इसी बीच सहारनपुर में 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जगहों पर गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दंगाइयों की पहचान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ वीडियो के जरिए इन दंगाइयों की पहचान की जाएगी। पहचान करने के बाद इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिन लोगों ने भी प्रदेश के शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कई शहरों में पत्थरबाजी की घटनाओं पर, वहीं प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, प्रयागराज की घटना पर सख्त निर्देश दिए गए हैं ACSOM अवनीश अवस्थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कि जो दंगाई है उनकी पहचान किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। पुलिस किस तरह से पहचान करने में जुटी है दंगाइयों की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ तस्वीर सामने आ रही है कि लगातार सुबह से ही पुलिस के आला अधिकारी ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहे थे और इस तरह की जो घटना सामने आई है और इस घटना में जिले के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री के भी चोटिल होने की खबर सामने आ रही है, तो निश्चित रूप से जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर अमन शांति वाले इस प्रयागराज संगम नगरी में इस तरह की जो घटनाएं हैं। और लगातार अगर जिले के आला अधिकारियों की बात की जाए तो जिले के आला अधिकारी पीछे कई दिनों से लोगों से, विभिन्न धर्म गुरुओं से यहाँ पर वार्ता कर रहे थे कि अमन शांति के साथ जुमे की नमाज अदा हो, लेकिन जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से घरों से पत्थर बरसाए गए, हालांकि पुलिस इसको चिन्हित करने में लगी हुई है, जल्द ही पूरे मामले का कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी तक इसमें यह नहीं क्लियर हो पाया है, साफ स्थिति नहीं दिख रही है कि किस तरह के लोग सामने थे, किस तरह के लोगों से वहाँ पे इस तरह की घटना सामने आई है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद पवन। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें।
साथ ही साथ इस घटना पर अब मुख्यमंत्री और एसीएसओ अवनीश अवस्थी का भी सख्त निर्देश और सख्त आदेश आ गया है कि कौन है ये लोग, इनका पता लगाया जाए, वीडियो के जरिए इनकी पहचान किया जाए, पहचान करके इन पर सख्त कार्रवाई किया जाए। आखिर कौन है ये लोग जो प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 6 बजे एसीएसओ अवनीश अवस्थी की एक मीटिंग है, उन्होंने जिन जिन शहरों में दंगे भड़के हैं, हिंसा हुए है, उन शहरों के अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। जुमे के नमाज के बाद रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।